हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। ये है चैप्टर 3 रासायनिक बल गतिकी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक हमने देख रखा है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, देख लीजिए। और बाकी सारी जो आपको चैप्टर वाइज आपकी ये जो लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज चल रही है बच्चों, इसको देखना है 12th केमिस्ट्री 2024 प्लेलिस्ट बना दिया, सारी वीडियो वहीं पर पड़ी है। अभी हमारा टारगेट है कि हम चैप्टर वाइज पहले लॉन्ग क्वेश्चन को देख लें रसगुल्लों, उसके बाद जो भी छोटे क्वेश्चन होंगे उनको हम हैंड राइटिंग नोट्स की मदद से आपको पीडीएफ दे देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक आपको निकालना है। सबसे पहले बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं वो जानना बेहद जरूरी है। जैसे यहां पर हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक, ए है और इससे कोई उत्पाद बन रहा है, ठीक है ना। कोई ए क्या है, ए अभिकारक है और ए अभिकारक से कोई उत्पाद बन रहा है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या कहती है वो समझिए। तो वह अभिक्रिया, ध्यान से समझना बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर यानी dx/dt अभिक्रिया की दर अभिकारक मतलब ए, जब ये कोष्टक लग जाता है तो इसी सांद्रता पढ़ा जाता है, तो वह अभिक्रिया जिसमें क्या है, अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होती है उसे कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। बात समझ में आई ना। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होती है उसे कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसको अच्छे से लिख लीजिए, कभी कभार क्या है परिभाषा भी पूछ लेता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे निकालेंगे बच्चों, तो यहां से हमने बताया ए से यहां पे कोई उत्पाद बन रहा है। मान लेते हैं कि किसी क्षण मान लेते हैं इसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक, जो प्रारंभिक सांद्रता है किसी क्षण, वो हम मान लेते हैं ए है और उत्पाद क्या बन रहा है, शून्य यानी जीरो, कुछ नहीं, ठीक। और तो यहां से फिर हम निकालेंगे कि टी समय बाद सांद्रता, ठीक, टी समय के बाद सांद्रता क्या हो जाती है, कि मान लेते हैं टी समय के बाद सांद्रता ए माइनस एक्स हो जाती है और उत्पाद एक्स बन रहा है, ठीक, उत्पाद क्या बन रहा है, एक्स बन रहा है। तो अब लिखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, ध्यान से समझना बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, हमने पहले ही बता दिया, ठीक, इसलिए इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, हर साल पूछा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। अब हम देखते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या कहती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया यही तो कहती है ना रसगुल्लों, कि अभिक्रिया की जो दर है यानी dx/dt है वो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक। अब जब हम यहां से ये मार्क हटाएंगे तो हम dx/dt ये जब मार्क हटाएंगे तो यहां से हमने बताया ना, जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है कुछ ना कुछ कांस्टेंट यहां पे के हो जाएगा, और ये तो हमने बताया ये ऐसे ही रहेगा भाई, प्रथम घात लिखें, एक लिखिए या फिर न लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। अब यहां से हम इसका वैल्यू क्या रखेंगे, ए माइनस एक्स, वो इसलिए क्योंकि टी समय के बाद ही ये सांद्रता है, ठीक। तो यहां से हम इसको लिखेंगे बच्चों dx/dt बराबर ये हो जाएगा के, और इसके स्थान पे हम लिख देंगे a माइनस x हो जाएगा, ठीक, या इसको हम इधर लाएंगे। तो इसको हम थोड़ा सही तरीके से अगर लिखना चाहेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों, सही तरीके से लिखना चाहेंगे ये हो जाएगा 1 upon a minus x into dx, देखिए dx अपने स्थान पे है, ठीक ना, यहां से थोड़ा यहां कर दिए बस, और यहां से इसको इधर लाए हैं, और बराबर इधर क्या बचा है, ये बचा है बच्चों k, और उधर से ये dt चला गया, k into dt हो गया, ठीक। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, समाकलन, ठीक, दोनों पक्षों में मतलब समाकलन कर देते हैं, तो समाकलन हो जाएगा कैसे, ध्यान से समझिएगा,
ठीक। जब समाकलन कर देंगे तो ये लग जाएगा बच्चों समाकलन, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, समाकलन 1 अपान ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू, इधर भी ये कांस्टेंट है, अचर पद है, इसको बाहर रखते हैं अपन, और समाकलन डी टी हो गया, ठीक। तो समाकलन 1 अपान ए माइनस एक्स फार्मूला होता है बच्चों माइनस का लॉग ई ए माइनस एक्स, ये फार्मूला होता है, बराबर हो जाएगा, देखिए के बाहर ही रहेगा, ये टी के साथ मतलब डीटी है, तो यानी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा प्लस सी। शून्य कोटि की अभिक्रिया में भी बताया था डी एक्स होता तो एक्स, डी टी होता तो टी, डी आर है तो आर, डी एम है तो एम, जिसके सापेक्ष होता है यहां प्लस सी हो जाएगा। सी क्या है, अचर पद है, सी क्या बच्चों अचर पद है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 दे देते हैं। अब यहां मानेंगे कि यदि t बराबर 0 तो भाई x बराबर भी 0 हो जाएगा, यानी अभिक्रिया की दर मतलब क्या, अभिक्रिया स्थिर रहेगी कब, जब समय बिल्कुल कुछ नहीं लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हम वैल्यू रख देंगे तो माइनस का लॉग ई ए माइनस एक्स के स्थान पर 0 हो जाएगा, तो केवल ए बच जाएगा बच्चों, बराबर इधर क्या बच जाएगा, देखिए टी का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 और प्लस का सी हो जाएगा। यानी यहां से आप ध्यान दीजिए अगर, तो सी का मान कुछ निकल कर आया है, सी बराबर माइनस का लॉग ई ए, यानी लॉग बेस ई और ए आया है, ये सी का मान यहीं पर रख देते हैं। तो हम लिखेंगे सी का मान, सी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, एक में हम रख देते हैं सी का मान, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, यहां पर हमें रखना है तो माइनस लॉग बेस ई ए माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर यहां पे रहेगा के इंटू टी और उसके बाद प्लस सी, तो भाई ये माइनस में वैल्यू है तो माइनस हो जाएगा, लॉग बेस ई और ए हो जाएगा। देखिए इसको के इंटू टी हम क्या करेंगे, अपने स्थान पर ही रहने देंगे, के इंटू टी ये अपने स्थान पर रहेगा, बराबर इसको इधर लाइए तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा ये लॉग बेस ई ए हो जाएगा और ये माइनस अपने अपने स्थान पर रहेगा, यानी माइनस का लॉग ई ए माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, बात समझ में आई, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें लॉग एम माइनस लॉग एन एक फार्मूला लगा है, ठीक। तो लॉग एम माइनस लॉग एन का फार्मूला होता है लॉग एम अपॉन एन होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा k इंटू टी बराबर हो जाएगा log बेस यानी e a अपान a अपान a माइनस एक्स, यानी log m अपान log n फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब यहां से ध्यान से समझिएगा एक चीज log बेस e, ठीक, इसका मान क्या होता है 2.303 और यहां से log बेस 10, इस फॉर्म में फार्मूला हो जाता है, ठीक। तो यहां से क्या करेंगे, वही वैल्यू करना है हमें, तो यानी के बराबर ये टी अब इधर भगा देते हैं, 1 अपॉन टी हो जाएगा और यहां से लॉग, ठीक, हमने बताना, सॉरी एक मिनट, क्या करते हैं इसको, इस मतलब लॉग बेस इसे लॉग बेस 10 में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 2.303 अपॉन का टी हो जाएगा और लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। तो यही क्या हो जाएगा आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक हो जाएगा। मतलब काफी ज्यादा आसान है, बस थोड़ा समझना है आपको, वो यहां पर समझना है ना, यही समझ गए तो पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना, आई होप कि वीडियो आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझ गए होंगे इस टॉपिक को। मिलने किसी और समझदार वीडियो के साथ, वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।